हेलो, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल पर हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार आपके फ़ोन को कब मिलेगा एंड्रॉयड 12 का अपडेट। जैसा कि आप सभी में से बहुत सारे लोग अभी यूज़ कर रहे होंगे एंड्रॉयड 11, एंड ये बात ज़रूर आपने सोची होगी कि क्या आपके फ़ोन को एंड्रॉयड 12 का अपडेट मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कब मिलेगा। सो आज के इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आपके फ़ोन को एंड्रॉयड 12 का अपडेट रिसीव होगा या नहीं। तो अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी शुरू करता हूं मैं वारन सिंह, ये टेक्निकल लाइफ, चलिए शुरू करें। सो एंड्रॉयड 12 का जो फर्स्ट बीटा अपडेट है वो कुछ सपोर्टेड फोन में आप चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो, पर आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि वो ऐसे कौन से स्मार्टफोन हैं जिनको एंड्रॉयड 12 का स्टेबल अपडेट देखने को मिलने वाला है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं गूगल पिक्सल से। जो यहाँ पे नाम निकल के आ रहे हैं जिनको एंड्रॉयड 12 का अपडेट मिलेगा वो है पिक्सल 3, पिक्सल 3 XL, पिक्सल 3A, पिक्सल 3A XL, पिक्सल 4 और पिक्सल 4A और पिक्सल 4A 5G और आखिरी में पिक्सल 5 5G। सो अगर आप यूज़ करते हो गूगल के स्मार्टफोन और जो मैंने आपको नाम बताए हैं उनमें से कोई भी स्मार्टफोन आपके पास है तो आपको एंड्रॉयड 12 का स्टेबल अपडेट देखने को मिल जाएगा। सो इसके बाद हम लोग चलते हैं वन प्लस के स्मार्टफोन की तरफ। तो आपको वन प्लस 9, वन प्लस 9 प्रो, वन प्लस 9R, वन प्लस 8T, वन प्लस 8, वन प्लस 8 प्रो, वन प्लस 7T, वन प्लस 7T प्रो, वन प्लस 7 और वन प्लस 7 प्रो और वन प्लस नॉर्ड। सो इन सब स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉयड 12 का जो अपडेट है, जो स्टेबल अपडेट है, वो आपको देखने को मिलेगा। बट इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि वन प्लस नॉर्ड N10 5G और वन प्लस नॉर्ड N100 को एंड्रॉयड 12 का अपडेट नहीं मिलेगा। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं सैमसंग के स्मार्टफोन की तरफ। तो सैमसंग में आपको गैलेक्सी S21, S21 प्लस और S21 अल्ट्रा, और इसके बाद S20, S20 प्लस, S20 अल्ट्रा, S20 SE, और इसके बाद S10, S10 प्लस, S10e, S10 लाइट और Note 20, Note 20 अल्ट्रा, Note 10, Note 10 प्लस, Note 10 लाइट, Z फोल्ड 2, फोल्ड, Z फ्लिप और A51, A52, A71, A72, A90। और गैलेक्सी के टैब के बारे में हम लोग बात करें तो टैब S6, S6 लाइट, S7 और S7 प्लस। सो ये सब जो डिवाइस हैं सैमसंग के, अगर आप इनमें से कोई यूज़ करते हो तो आपको एंड्रॉयड 12 का अपडेट मिलेगा। सो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं शाओमी की तरफ। तो शाओमी में आपको Mi 11, Mi 11 अल्ट्रा, Mi 11X, Mi 11X प्रो, Mi 10T, Mi 10T प्रो, Mi 10T लाइट और Mi 10, और इसके बाद Mi 10 प्रो, Mi 10 यूथ एडिशन, Mi 10 i5G एडिशन, Redmi K30, K30 प्रो, Note 10, Note 10 S, Note 10 प्रो, Note 10 प्रो मैक्स। तो अगर आप Xiaomi के ये डिवाइस यूज़ करते हो तो आपको Android 12 का अपडेट मिलेगा। एंड इसके बाद मैं आपको बताता हूँ Redmi के बारे में। तो Redmi Note 9, Note 9 प्रो, Note 9 प्रो मैक्स। तो Redmi के ये जो मैंने आपको नाम बताए तो इनको MIUI 13 का अपडेट मिलेगा, बट हो सकता है इन्हें Android 12 का अपडेट ना मिले, बट ये कंफर्म नहीं है, बस जस्ट फिलहाल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हो सकता है कि इनको Android 12 का अपडेट ना मिले। सो अब हम लोग आ जाते हैं Poco स्मार्टफोन के ऊपर। तो Poco की तरफ से जो आपको F2 Pro, F3 और X2 और X3 और X3 NFC और X3 Pro, ये जo डिवाइसेस हैं इनमें आपको Android 12 का अपडेट देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ Poco में M2, M2 Pro, M3 और C3 को Android 12 का अपडेट नहीं मिलेगा, बट इन डिवाइसेस को MIUI 13 का अपडेट मिलेगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं Oppo के स्मार्टफोन के ऊपर। तो Oppo का Find X3, X3 Pro, X3 Neo, X3 Lite, X2, X2 Pro और X2 Neo और X2 Lite। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं Reno सीरीज पे। तो Reno 5, Reno 5 Pro, 5 Pro Plus, 5 Lite और F19 Pro Plus 5G और F19 Pro और F19, ये जो Oppo के डिवाइसेज हैं इनको Android 12 का जो अपडेट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं Realme के ऊपर। तो Realme में जो आपको X50, X7, X7 Pro, X3 जो है और X3 Super Zoom और 8 और 8 5G और Realme 8 Pro, Realme 7 और 7 5G, Realme 7 Pro, Realme Narzo 20, 20 Pro, 20A,
30A और Narzo 30 Pro, और इसके अलावा Realme GT और GT Neo, ये डिवाइसेस को जो है Android 12 का अपडेट मिलेगा। सो अब हम लोग आ जाते हैं Vivo के स्मार्टफोन्स के ऊपर। तो Vivo का X60, X60 Pro, X60 Pro Plus, X50, X50 Pro, X50e और IQ7 और IQ7 Legend, ये जो डिवाइसेस आपको Vivo की तरफ से देखने को मिलते हैं इनमें भी आपको Android 12 का अपडेट मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं Nokia के ऊपर। तो Nokia का 8.3 5G, 5.4, 5.3, 3.4, 2.4, 1.3 और C10, C20, G10, G20, X10 और X20, ये जो Nokia के डिवाइसेस हैं इनमें भी आपको Android 12 का अपडेट मिलेगा। एंड इसके बाद हम लोग आ जाते हैं Motorola की तरफ। तो Motorola का Edge S, Edge Plus और Motorola की तरफ से आने वाला Razr 5G Foldable और Razr, और इसके अलावा G10, G20, G30, G50, G60 और G100, ये जो Motorola के डिवाइसेस हैं इनमें भी आपको Android 12 का अपडेट मिलेगा। तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं Asus की फ़ोन की तरफ। तो आपको ROG Phone 5, 5 Pro, 5 Ultra और ROG 3 और उसके बाद Zenfone 8, 8 Flip और Zenfone 7 और Zenfone 7 Pro, इन डिवाइसेस में आपको Android 12 का अपडेट देखने को मिलेगा। सो अब मैं आ जाता हूँ Sony के स्मार्टफोन्स की तरफ। तो आपको Xperia 1 2, Xperia 1 3 और Xperia 5 2, 5 3 और 10 2 और Xperia Pro में आपको Android 12 का अपडेट मिलेगा। और लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ LG के स्मार्टफोन के बारे में। तो LG Wing, LG Velvet, LG Velvet LTE और LG V50s, V50, G8, Q31, Q52 और Q92, ये जो स्मार्टफोन है इनको आपको Android 12 का अपडेट देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, ये सारे स्मार्टफोन जो मैंने आपको बताए इन सभी को Android 12 का अपडेट देखने को मिलेगा। और अगर आप इन स्मार्टफोन में से कोई भी स्मार्टफोन यूज़ करते हो तो आपको Android 12 का जो अपडेट है वो आपको देखने को मिलेगा। सो ये जो मैंने आपको लिस्ट बताई है ये कोई फाइनल लिस्ट नहीं है, अभी और भी स्मार्टफोन्स जो हैं इस लिस्ट में ऐड हो सकते हैं जिनके बारे में आगे वीडियो बना के मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बट तब तक के लिए ये जो स्मार्टफोन है इनको Android 12 का अपडेट मिलेगा। एंड ये था हमारा आज का वीडियो, एंड आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आप सब अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिएगा। एंड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।